तो भाइयों और बहनों, फाइनली हो गई। पता है क्या? शादी। तो पिछले 2000 साल से चली आ रही शादी का आखिर समापन हो ही गया। कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं बात कर रहा हूँ मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी की, जिसके जल से पिछले 2000 साल से चलते आ रहे हैं। भारतीय अरबपति ताजे मुकेश अंबानी के छोटे बेटे कई माह से जारी शादी की तकरीबात के बाद फाइनली शादी के बंधन में बन गए हैं। एक शादी हो रही है हमारे हमसाए मुल्क में, बहुत सोशल मीडिया पे उसने कब्जा किया है इस टाइम। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की वेडिंग के बारे में न्यूयॉर्क टाइम लिखते हैं कि 100 साल पहले ऐसी शादियां महाराजाओं के हां हुआ करती थी। मुकेश अंबानी हैं, वो हिंदू हैं, उनका एक अपना कल्चर है उनके लिए। वो हिंदुओं के बारे में मशहूर, मैंने बचपन में सुना है, मैंने तो नहीं देखे, कि वो शादी ब्याहों पे और घर बनाने पे दो ही जगह जिंदगी में वो बहुत ज्यादा। ये अंबानी जो है ना, वो अपनी मनी पावर इतनी दिखा रहे हैं कि पूरा बॉलीवुड आ रहा है, हॉलीवुड भी आ रहा है, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, तो लोग तो जाहिर से बातें इन्फ्लुएंस होंगे ना। पर मुकेश अंबानी की शादी में अमेरिका से लेके यूरोप तक, मतलब एशिया से लेके कोई ऐसा बंदा नहीं था कि जो वहां पर मौजूद ना हो। जो भी इस वक्त इंडिया के अंदर जो ग्लोबल सेलिब्रिटीज आई हैं, इट कैन ओनली कम इफ बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट पावर। मुकेश अंबानी की जो कंपनी है, रिलायंस, उसका जो हॉल बजट है वो पाकिस्तान के एनुअल बजट से ज्यादा है। उसकी ना रिपोर्ट आई है कि जितना शादी का एक्सपेंस है वो उनकी, अंबानी साहब की टोटल वेल्थ का 0.1% है। हाँ। मुकेश अंबानी की शादी में तीनों डांस कर रहे थे, वो भी लुंगी के साथ। अंबानी की इतनी पावर है, मोदी साहब की कितनी पावर होगी। हाँ। इंडिया ने ये साबित किया कि G20 में पूरी दुनिया इंडिया आई, सो पॉलिटिकली दे आर रेलेवेंट। मुकेश अंबानी, ऑल्दो इट्स अ प्राइवेट इवेंट, ठीक है, लेकिन पूरी दुनिया का प्रेस इसके ऊपर लिख रहा है, जिसको देख देख के हमारी आंखें थक चुकी है। और अनंत अंबानी की शादी के लिए मुकेश अंबानी ने सारा फंड आपकी और मेरी जेब से निकाला है। जब तक जियो ने अपने रिचार्ज महंगे नहीं किए थे, तब तक तो हर हिंदुस्तानी शादी का आनंद ले रहा था। लेकिन अब जिनके पास जियो है वो सिर्फ गालियां दे रहा है कि भाई इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी जब हमसे लेना था। तो हकीकत में देखा जाए तो अंबानी से ज्यादा अमीर तो हमारे हिंदुस्तान की आवाम है, जो उनकी शादी कराने के लिए अपनी जेब से पैसा दे रही है और साथ में अपना खून भी जला रही है। खैर, मेरे को मुकेश अंबानी की बेटी की शादी में जो खर्चा हो रहा है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो उसका पैसा है, वो कैसे भी खर्च करें। लेकिन मैं अंबानी जी से इतना सा बोलना चाहूंगा, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंचती है और आप मुझे कभी सुन लेते हो गलती से भी, तो ये क्या किया आपने? हम गरीब हिंदुस्तानी को खून चूसने के लिए हमारे नेता लोग कम थे क्या, जो आप भी खून चूसने लग गए? सीधा एक साथ ही इतना रुपया बढ़ा दिया कि लोग अब भाग भाग के BSNL में पोर्ट करवा रहे और BSNL को पोर्ट करवा के अपनी देशभक्ति जगा रहे। अरे तो भाई, जब फ्री में बट रहा था, जब BSNL के प्रति तुम्हारी देशभक्ति नहीं थी, तब तो भाग भाग के जियो में गए, फ्री में मिला जब। और अब जब जियो महंगा हो गया, एयरटेल महंगा हो गया, वोडाफोन महंगा हो गया, तो अब आपकी देशभक्ति जाग गई है। अब देश को सपोर्ट करना है, BSNL को सपोर्ट करना है, क्योंकि वो सस्ता है, तो आपकी देशभक्ति भी सस्ती है। और जो ऐसा कर रही है उन्हीं की बात कर रहा हूं मैं। अगर आपको BSNL में पोर्ट कराना है, कराइए, बेशक कराइए, लेकिन ये देशभक्ति का चूर्ण तो मत छटाइए। खैर, हम बात कर रहे थे ऐसी शादी की जिसमें दुनिया की तमाम हस्तियां, चाहे किसी भी जगत से जुड़ी हो, वो सारी मशहूर हस्तियां एक छत के नीचे विराजमान थी। वो थी मुकेश अंबानी के बेटे की शादी, और उसका समापन 12 तारीख को हो गया। ये महंगी शादी हिंदुस्तानी नहीं, पूरे विश्व के अंदर चर्चा का विषय बनी रही और चर्चा का विषय बनी, जहां पर आजकल है आटे का बोहरान, जहां है पैसों का बोहरान, जहां का PM हमेशा कचकोल, मतलब कटोरा लेके घूम रहा होता है, और उस मुल्क का नाम है पाकिस्तान। जज्बे वाली कौम ने जब ये शादी देखी और इसमें इतना खर्चा देखा, तो इनकी आंखें फटी की फटी रह गई। तो इस जज्बे वाली कौम ने, आसमानी कौम ने इसके ऊपर दिए अपने शॉकिंग रिएक्शन, जिसको देखने के बाद में आप और मैं शॉक होने वाले हैं। तब न देर के चलते पाकिस्तान। मुकेश अंबानी की शादी इतनी बड़ी धूमधाम से मनाई गई कि किसी से डकी छुपी नहीं है। हाँ। वहाँ पर एक दफ़ा शाहरुख खान से किसी ने पूछा था कि क्या आप तीनों खान किसी मूवी में एक साथ काम कर सकते हैं। हाँ। तो उन्होंने कहा था कि हम तीनों खान को बुलाने के लिए आपकी जेबें खाली हो जाएंगी। यस, लेकिन हाँ। मुकेश अंबानी की शादी में तीनों डांस कर रहे थे, वो भी लुंगी के साथ। तो आप देखें कि मतलब इंडिया की इकोनॉमी कहां से कहां पहुंच गई। हाँ। और हम बेचारे पाकिस्तानी, ये देखें वेला बंदा अभी तक बेचारे की शादी नहीं हो गई है, पैसे नहीं है। हाँ। वो कहां से कहां पहुंच गए। हाँ। और बेचारा अभी तक जहेज की टेंशन में बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं है। इतना शादी का एक्सपेंस है, वो उनकी, अंबानी साहब की टोटल वेल्थ का 0.1% भी नहीं है, 0.1%।
ठीक है, अच्छा वो तो जाहिर है उसकी वजह ये होगी कि उनकी वेल्थ ही बहुत ज़्यादा होगी और जो बताई जाती है उससे भी ज़्यादा है। हाँ, सो अब उन्होंने तो अपनी तरफ से ये सोच के नहीं किया होगा कि मैंने इतना बजट लगाना है, वो तो उन्होंने सब कुछ, जिसने रिहाना को ही बुला लिया $9 million, हाँ तो उसने ये तो नहीं सोचा कि बजट, वो तो उसने सब कुछ खर्च के भी पता ये लगा कि ये 0.1 बनता था। ठीक है, सो अदरवाइज आप इंडिया पाकिस्तान हमारे जो रवैये हैं, हमारे जो मिजाज हैं वो एक जैसे हैं। सो वो बिग फैट इंडियन वेडिंग मुहावरा मशहूर हो चुका है पूरी दुनिया में, और हमारे यहाँ भी यही होता है कि जाहिर है अब वो आप मुकाबला नहीं कर सकते, वहाँ पे लोगों की वेल्थ ज़्यादा है, यहाँ पे लोगों की वेल्थ कम है, बट अदरवाइज़ हर कोई अपने जो औकात से बढ़ चढ़ के ही करता है शादी। यहाँ पर लोगों को शौक है शबशबा का, ठीक है कि शरीके साड़ने हमने, और मतलब अक्सर ये भी एक मुहावरा है, मतलब गोरे कहते हैं कि आप अपनी टोटल वर्थ का 10% से ऊपर सड़क पे नहीं लेके आते। पर मुकेश अंबानी की शादी में अमेरिका से लेके यूरोप तक, मतलब एशिया से लेके कोई ऐसा बंदा नहीं था कि जो वहाँ पर मौजूद ना हो, कोई भी ऐसा सेलिब्रिटी नहीं था, मुकेश अंबानी। और आपको मैं ये बताता चलूं, मुकेश अंबानी की जो कंपनी है उसका जो हॉल बजट है वो पाकिस्तान के एनुअल बजट से ज्यादा है, तो आप सोच सकती हैं कि हम कहाँ पे लाई कर रहे हैं और इंडिया वाले कहाँ पर है। हम बस वही 1965 की जंग 75-80 ये वो उन्हीं जंगों में पड़े हुए हैं, और वो लोग चांद पे पहुँच गए और हम अभी तक पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और बैरून मुल्क वीजा लग के जाने के ख्वाब देख रहे हैं जो अभी तक मुकम्मल नहीं हुए। अच्छा, आपने कहा कि जो है मुकेश अंबानी के बेटे जो है अनंत अंबानी, राधिका मर्चेंट की शादी थी, बड़े बड़े लोग आ गए, इंडिया की सॉफ्ट पावर दुनिया ने देखी कि भाई अगर एक पॉलिटिशियन पूरी दुनिया को एक कार्ड दे के बुला सकता है तो फिर आप वजीर आजम की कितनी पावर होगी इंडिया के। देखें, दुश्मनी अपनी जगह इंडिया के साथ, लेकिन पावर तो है उनके पास, वर्ल्ड 7 हम कहें कि स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी उनके पास है, फिफ्थ पे आ गई है शायद, फिफ्थ पे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मुकेश अंबानी की इतनी पावर है तो मोदी साहब की कितनी पावर होगी। ये तो डेफिनेटली इससे समझ आती है कि मतलब हमारा कल्चर तो एक शेड सा कल्चर है, मतलब वो भी धूमधाम से करते हैं, हम भी धूमधाम से करते हैं। एक ज़रा थोड़ा इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे एक वीडियो याद आ गई जो शाहरुख खान, जिस पे किसी ने उनसे, इस रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि जी आप शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान जो है कि भी एक फिल्म पे आएंगे, तो शाहरुख खान कहते हैं यार कि कोई अगर डायरेक्टर जो है और कोई प्रोड्यूसर जो है वो अपना सब कुछ बेच के इतने पैसे इकट्ठे करके हम तीनों को एक फिल्म में ला सकता है ना, एक स्टेज पर ला सकता है, तो आपके बाद दिवालिया निकल आएगा आपके, इतने हम महंगे हैं। अंबानी साहब ने कर दिया, अंबानी साहब ने तीनों को नचवा दिया, तो बात खत्म हो गई। तो आपकी वाली बात जो है कि मनी टॉक्स एंड बाकी जो मुहावरा है वो मैं यहाँ नहीं बोल सकता पूरी इंडस्ट्री एक बस में बैठ के आई है। ये अच्छा, इसका इसमें मेरा एक टेक कि उन्होंने ये भी कहा कोस्टर पे, सर बस ना कहें कोस्टर के, कपूर फैमिली सारी जो है वो हम वीडियो देख रहे हैं कि सारे एक एक करके एक कोस्टर में चढ़े, जो आपने मैंने तो कई दफ़ा किया, कई चीज़ों के लिए फील्ड ट्रिप स्कूल की और बाकी चीज़ों के लिए की है, लेकिन जिन लोगों को वैनिटी वैंस और मसूस और हर चीज़ की आदत है सेट के ऊपर, उनको इन्हीं ने अंबानी साहब ने कहा एक कोस्टर है लेके जाएगा, बैठना तो बैठ, जो नहीं जाना तो ना जाओ, क्योंकि सेलिब्रिटी जो हमारा कोटा है वो तो पूरा है। हम हज़ारों के लिए जो है, जैसे पाकिस्तान में होता है कि टारगेट किलिंग हो जाती है, 50,000 लेके, लाख लेके बंदा यहाँ मारा जाता है, आटे के तोड़े के पीछे लोगों बेचारे की जाने चली जाती है, वहाँ पर जस्टिन बीबर को परफॉर्म करने के लिए 83 करोड़, ये इंडियन रुपीज़ है, ठीक है, जो कि रिहाना पिछली दफ़ा जब प्री वेडिंग में आई थी 41 करोड़ सुन के आवाम के जो है ना कानों से धुआं निकलना शुरू, करोड़ जो शादी के इनविटेशन कार्ड था 7-8 लाख का, तो वो कार्ड ही था वो इंडियन रुपीज़ और पाकिस्तानी में देख ले 21-22 लाख का कार्ड था, इतनी अमीरी मैंने कहीं नहीं देखी, बल्कि ये तो कहते हैं कि बर्तानिया के अंदर जो रॉयल फैमिलीज की शादी है ये उनको भी क्रॉस कर गई है। मैच ख़त्म होता है ना, तो मुंबई इंडियंस के बारे में ये मशहूर है कि मैच ख़त्म होते साथ इन्होंने शावर ले के पहुँचना होता है अंबानी हाउस, क्योंकि वहाँ पर पार्टी होती है, और वो पार्टी में बेसिकली मतलब ये प्लेयर्स तो जाहिर है जिनका रोज़ मैच है या हर दूसरे दिन मैच है, वो बेचारों ने क्या पार्टी करनी है, लेकिन वो बेसिकली होता ये है कि वो अंबानीज या जो भी ओनर्स होते हैं वो अपने, उन्होंने गेस्ट बुलाए होते हैं और वो दिखाया होता है कि यार ये हमारे खिलौने हैं ये देखो ये आए हुए इधर, ये किधर आ जाती है, हमारे हैं,
हमने पैसे दिए हुए हैं। सो गेम सर पैसों की है। असल में ये बात होती है कि इट्स ऑल अबाउट मनी और वर्थ, ठीक है। जो ये तब होता है, ठीक है, तब ये तब होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल उनके पास इतना पैसा हो और वो ये है कि मतलब अपने इकोनॉमी के साथ, अपने मुल्क के साथ, मतलब मिलके चल रहे हैं और अपने मुल्क के साथ अच्छे हैं, ठीक है, तो ये मतलब उनके लिए भाई चोरी का पैसा नहीं ना, खुल के लगा रहे हैं वही तो ना, मतलब खुल के इसमें अगर आप एडिशन करें ना म्यूचुअल स्टॉक को 84 करोड़ और हमारा पूरा PSL को उठा लें तो 75 करोड़ बनते हैं। असल में ये एक म्यूचुअल स्टॉक, ये अमीरी देखे, अमीरी देखे। और जो प्री वेडिंग पे जो क्या उसको बोलते हैं मुकेश अंबानी की जो बेगम है, उन्होंने जो हार पहना था कह रहे 550 करोड़ का, तो वही था। सही बात है, असल में वो अपने पेशन के साथ, अपने मुल्क के साथ, अपने लोगों के साथ सच्चे हैं। हाँ। तो वो उनके जो पैसे हैं ना वो अपने हक लाल की कमाई गए पैसे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि हमारे मुल्क की तरह मतलब चोरी के ये वो आगे पीछे जेबों में डाल दिए, मतलब ये बात ये है। बिल्कुल सही बात है मेरे भाई, ये बातें हैं। तुम्हारे पाकिस्तान में तो सारे चोर ये, चाहे तुम्हारे बिजनेसमैन हो, तुम्हारे पॉलिटिशियन हो, और तुम्हारी सबसे बड़ी चोर अगर कोई है तुम्हारे मुल्क को, जो अंदर ही अंदर खाए जा रही है, दीमक की तरह चाटे जा रही है, वो है तुम्हारे जर्नल, तुम्हारी आर्मी, पूरा पाकिस्तान उनके जूतों के तलवे के नीचे है और तुम सारे के सारे पाकिस्तानी उनके तलवे चाट रहे हो। इसलिए तुम्हारे मुल्क में एक भी मुकेश अंबानी नहीं है, ना कभी बनेगा, क्योंकि तुम्हारे मुल्क की मुकेश अंबानी अगर कोई है तो वो तुम्हारी आर्मी है। सदियों से चली आ रही अंबानी जी की वेडिंग खत्म हो गई है। वेडिंग देख के आपको कैसा लगा? जियो का रिचार्ज महंगा हो गया वो आपको कैसा लगा? BSNL में पोर्ट हुए या नहीं हुए वो आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।